भाजपा शासित राज्यों के सीएम का दिल्ली में बैठक, पीएम मोदी, नड्डा समेत कई नेता मौजूद। द्रौपदी मुर्मू सोमवार को लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ, 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला कंफर्म मामला, सरकार ने कहा संक्रमण के स्रोत की हो रही है पहचान, डीजीएसएस की 3 बजे उच्च स्तरीय बैठक। तेलंगाना में हर घर में फहराया जाएगा तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सरकार बांटेगी 1.20 करोड़ झंडे। टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का अच्छा मौका, लेकिन मेजबान टीम कर सकती है पलटवार। नमस्कार, मैं उत्तरश्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार की सुबह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में रविवार को सुबह पुलिस और शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ बिहार के कुख्यात शूटर रईस खान गैंग के सदस्यों के साथ हुई। ये मुठभेड़ लोको तिराहे के पास हुई है। लखनऊ में रविवार को दिन की शुरुआत मुठभेड़ के साथ हुई। यहाँ कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुबह मुठभेड़ में एक शूटर घायल हो गया। ये मुठभेड़ कुख्यात शूटर खान गैंग के सदस्य के साथ हुई। इस गैंग के शूटर राजधानी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आज सुबह कैंट थाना अंतर्गत लोको तिराहे से यदुनाथ की तरफ जाती हुई रोड में हमारे मुखबिर ने यह सूचना दी कि बिहार का एक बहुत कुख्यात गैंगस्टर है रईस खान, जिसके शूटर्स वहां टहल रहे हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। तो इसी सूचना पे कैंट पुलिस, आशियाना पुलिस, डीसीपी पूर्वी क्राइम टीम और क्राइम ब्रांच लखनऊ को रवाना किया गया। वहां पे तीनों बदमाशों को एक बाइक में देखा गया। जब पुलिस टीम ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने अपनी तरफ से फायरिंग की, जिसके बदले में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। आत्मरक्षा में तीनों बदमाशों को गोली लगी है। इनको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर शाहजहांपुर से, जहां सावन में होने वाली विख्यात शिव महापुराण कथा खिरनी बाग रामलीला मैदान में शुरू हो गई। बता दें शिव महापुराण कथा के लिए विश्वनाथ मंदिर से कलश यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं इस कलश यात्रा में महिलाओं का जन सैलाब देखने को मिला। महाशिव पुराण कथा विगत 8 वर्षों से हो रही है, कोरोना काल में भी ये बंद नहीं हुई। इसे एक जगह पे करके कुछ लोगों के साथ रुद्राभिषेक किया गया। अब चूंकि ये सामूहिक रूप से बड़े स्तर पे हो रही है तो बड़ा उत्साह है बहनों में। सब 16 श्रृंगार करके पीले वस्त्र धारण करके आई हैं, तो बड़े जोर शोर से उत्साह के साथ ये कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए। समस्त बहनों ने अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश यात्रा उठाई है और हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर से रामलीला ग्राउंड तक जाएंगे, वहाँ शिव महापुराण की दिव्य कथा प्रारंभ होगी। कावड़ यात्रा मेले में लाखों शिव भक्त रोजाना सड़कों पर कावड़ लेकर देखे जा सकते हैं। वहीं बिजनौर में अनोखी कावड़ शिव भक्तों के कंधों पर ऐसी भी देखने को मिली, जो 140 फीट लंबा तिरंगा कोई 51 शिव भक्त अपने कंधे पर उठाकर पैदल चल रहे हैं और अनोखी आकर्षित कावड़ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 140 फीट का कल क्या लेते हैं, कब पहुंच जाओगे हरिद्वार? वहाँ पर तो पहले ही पहुंच जाओगे। कितने जने हैं? 51। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और वल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में सम्मेलन का आयोजन किया। बता दें दुष्यंत चौटाला सम्मेलन में जेजेपी पार्टी के कार्य नीतियों के बारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साझा करेंगे। खबर फरीदाबाद से, जो बकाया रुपए मांगने गए युवक को पीट पीट कर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 4 दिन पहले 4 लोगों की हत्या की, जिसके बाद भी बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं दिखा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 19 साल का लड़का नटन के संग गया था,
ढोल बजाने नटे इसके पैसे नहीं दे रहे थे। रात के टाइम ईंट बांध के हम खूब माल लगाइए, सुबह भी में ईंट बांध रही सबरी नटन माल लगाइए। अच्छा, ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, अर्जुन नामक लड़का है ये अभी, ये और इनकी माँ की तरफ से जो थी माता जी की तरफ से कंप्लेन दर्ज हुई थी जिसमें लड़ाई झगड़ा और कहा था, उसके बाद जो इनका बच्चा जो है वो लापता है तो उसके तहत जो है पर्चा दर्ज था PS City में और बाद में आज सुबह ही जो है नहर के पास इनकी डेड बॉडी मिली है। तो इसमें जो भी एलिगेशन है अभी पोस्टमार्टम FSL टीम भी आ चुकी है, निरीक्षण भी हो गया है, इसको अभी BK में ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए और जो जिस हिसाब से ये आगे की जो भी आगे स्टेटमेंट देते हैं और जिनके नाम लिखवाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई सख्त की जाएगी क्योंकि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। इस मरीज की कोई विदेशी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई जा रही है। बता दें दिल्ली में मिला नया मरीज जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 वर्षीय व्यक्ति को संक्रमण की पुष्टि की गई है। उस व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि पाई गई, इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। इससे पहले केरल में मंकी पॉक्स के 3 मरीज मिल चुके हैं। ये तीनों ही मरीज UAE से लौटे थे, वहीं पर ये किसी संक्रमित के संपर्क में आए थे। अलीगढ़ के थाना कुआरसी इलाके में RAF कैंपस में RAF कर्मी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। फांसी पर शव लटकता मिलने से कैंपस में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई। बता दें शव परिजनों को सौंपने से पहले मृतक का RAF कर्मी को तिरंगा सब बांध दिया गया। मृतक कर्मी ने पिता के अनुसार आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। तो सर पता नहीं, हमारे कैंप से बाहर जाकर इसने ऐसा किया है, तो भी कोई नहीं सकते क्या वैसे क्या वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे दिया किसी फाइनेंस में उसको प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा बढ़िया परिवार चल रहा था, मकान उकान बनाना था अपना, मतलब क्या हुआ कुछ कर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रविवार को एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची है। अमेठी से राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के घर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद स्मृति ईरानी ने नसीराबाद CHC में बूस्टर डोज टीकाकरण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी अदा की। साथ ही उन्होंने यहाँ लगे आरोग्य मेले का भी अवलोकन किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के हरदोई जिले में आज उस समय हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली जहां कावड़ियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उत्साह के साथ पुष्प वर्षा की। इसमें कई लोगों ने तो अपने पूरे चेहरे पर चंदन लगाए दिखे और कावड़ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात COCT समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, साथ ही शहर के कई स्थानों पर कांवड़ियों का स्वागत किया गया। सावन का पावन पर्व महीना चल रहा है और ये पर्व की खुशी में मनाते हैं हम लोग उसको सावन को। आज बाबा तुरंतनाथ के मंदिर से कांवड़ यात्रा निकली है, भगवान भोलेनाथ के भक्त लोग जल लेने गए हुए हैं, गंगा जी वहाँ से जल लेकर आएंगे, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे और कामना करेंगे कि हमारे देश में हमारे आपके भाईचारे में मजबूती आए। आज उसी श्रृंखला में हम मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है क्योंकि हम सब एक हैं, हिंदुस्तान एक है। खबर अलीगढ़ से है जो अलीगढ़ गांधी पार्क बस स्टैंड के मीटिंग हॉल में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का चुनाव हुआ जिसमें रोडवेज के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों की SAP जैसी कोई भी समस्या को काफी हद तक दूर किया जाए और आगे जो भी कर्मचारियों की समस्याएं होंगी उनको भी दूर किया जाएगा। 14 सितंबर 1993 से लेकर के आज तक ये सफ़र है जो 29 साल का, ये कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है। मैंने अभी कहा कर्मचारी साथियों से कि उन्होंने जो मुझे मान जो सम्मान जो प्यार जो दुलार दिया है निश्चित तौर पर मैं उसका ऋणी हूँ और निश्चित तौर पर इनके ये मान सम्मान के लिए, इनके अधिकारों के लिए, इनके कर्तव्य की मतलब रक्षा के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ और आगामी वर्षों में भी जब तक ये मुझे अध्यक्ष बना रहे हैं निश्चित तौर पर इनके आन मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा, निश्चित तौर पर इनके संघर्ष की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा।
ऐसा है ना, मैं आगरा क्षेत्र से क्षेत्रीय मंत्री हूँ, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का परिवीक्षक के रूप में इधर आया हुआ हूँ मैं जो है। हमारे द्वारा यहाँ अलीगढ़ क्षेत्र का चुनाव संपन्न कराया, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर महेंद्र पाल सिंह जी, क्षेत्रीय मंत्री पर जो है ब्रजेश कुमार, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर जो है योगेंद्र पाल सिंह, और प्रांतीय प्रतिनिधि पर शेषवीर सिंह को सर्वसम्मति से निर्विरोध घोषित किया गया है। देवरिया जनपद के तरकुलहा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव से है, रात में अचानक घर से बेटी के गायब हो जाने से परिजनों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पति ने बेटी के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने बच्ची की डेड बॉडी को गंडक नदी से निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जनपद देवरिया में थाना तरकुलवा क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक 6 वर्षीय बालिका का शव छोटी गंडक नदी से बरामद हुआ है। इस प्रकरण के संदर्भ में मृतका के पिता द्वारा अपनी ही पत्नी यानी मृतका की माता के खिलाफ उसे नदी में फेंक देने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया थाना तरकुलवा पर, और इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल सिंह यादव को नसीहत दी गई, जिसके बाद सपा और प्रसपा में जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यालय से एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें शिवपाल सिंह यादव को कहा गया था कि अगर कहीं सम्मान ज्यादा मिलता है तो वहां वो जाने के लिए स्वतंत्र, बता दे लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जनपद अलीगढ़ में गृह कलेश के चलते पति ने 50 वर्षीय पत्नी की धारदार हथियार से सर पर प्रहार कर हत्या कर दी। जहां पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था, घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई। मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामले की जाँच में जुट गई। बता दे बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सारसोल की घटना है। खबर देवरिया से, जहां छोटी गंडक नदी में नहाते समय डूब गया था, वहीं पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बरामद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। वहीं शव देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया। बता दें तरकुलवा थाना क्षेत्र का मामला है। फरीदाबाद में गौ तस्करों के हौसले बुलंद है। देर रात बदमाश सुहाना रोड पर गाय लेकर भाग रहे थे, जब गौ तस्करों का गौ रक्षकों ने पीछा किया तो तस्करों ने फायरिंग कर दी, जिसकी सूचना गौ रक्षकों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने गौ रक्षक दल की टीम ने उनका पीछा किया, लेकिन गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने गाय को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अपनी गाड़ी को दो गाय उन्होंने ले रखी थी, उसमें लेकर भाग लिए। गौ तस्कर जो गौ रक्षा वाले हैं अशोक बाबा व उसकी टीम, वो उस गाड़ी के पीछे लग गए, और लगने पर जैसे वो उनको पकड़ने के लिए साथ लगाई गाड़ी, तो सोना पाली रोड की तरफ वो गाड़ियां भगी, वो जिसमें गाय भरी हुई थी। तो पीर बाबा के पास जाके उन्होंने फायर कर दिया गोरक्षा वाली गाड़ी पे, और जब कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर हमारी ERV ने उसका पीछा किया तो वहाँ टोल के ऊपर गो तस्कर थे, वो अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो HR51BY HR26AN2124 इसको छोड़कर भाग गए। इसमें दो गाय जिंदा मिली। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो